अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट किसी VPN, विदाउट किसी प्रॉक्सी और विदाउट कोई एनी थर्ड पार्टी ऐप के आप अपना USA, UK या किसी भी कंट्री का अकाउंट जो है TikTok का वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने वो कोई थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं इंस्टॉल करनी। जैसा कि आपने देखा होगा TikTok पे लोग बोलते हैं कि मेरी ये वाली वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाके ये वाली ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, हमें उसको यूज़ नहीं करना, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम जो TikTok का ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसी पे अपना अकाउंट बनाएंगे, बेशक UK का बना लें, USA का बना लें या किसी और कंट्री का बना लें। ठीक है, उसके लिए चाहिए आपको क्या? सबसे पहले आपको एक फ़्रेश ईमेल चाहिए, बेशक आप जीमेल की बना लो या आउटलुक बना लो, ठीक है, हॉटमेल वगैरह की बना लो, कोई भी आपको फ्रेश ईमेल चाहिए जिस पे पहले TikTok का अकाउंट ना बना हो। ठीक है, उसके बाद अपने TikTok ओपन कर लेना आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले मैं अपने अकाउंट को कर लेता हूँ लॉग आउट। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। इसको भी हम कर देंगे यहाँ से लॉग आउट। मैं इसको भी कर देता हूँ क्योंकि ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा कि आपने कौन से ईमेल पे ज़रिए बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे साइन अप पे। ठीक है, साइन अप पे जब आपने सेलेक्ट कर लेना है तो ये नीचे देख रहे होंगे, नीचे लिखा है बाय कंटिन्यूइंग विद एन अकाउंट लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे आपने सऊदी अरेबिया पे क्लिक कर लेना। अभी यहाँ पे अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लेना आपने। सर्च में आपने कर लेना सर्च UK या यूनाइटेड किंगडम लिख लें। ये देख सकते हैं आप, यूनाइटेड किंगडम लिखा आ चुका है UK का, नीचे यूनाइटेड स्टेट लिखा आ चुका है USA का। ठीक है, आपने USA का बनाना या UK का बनाना तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे बनाऊँगा UK का, तो UK वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ पे क्या लिखा आ चुका है, लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब उसके बाद आपने यूज़ फ़ोन और ईमेल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो नंबर लिखा होगा इसको भी हमने कर देना है UK पे क्लिक। ये पे इस पर क्लिक कर देंगे, हमने नंबर से नहीं बनानी, बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये ईमेल पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल लिख लेना है आपने। ठीक है, जो फ्रेश ईमेल आपका होगा वो आपने लिख लेना है यहाँ पे। तो ये मैं इस पे बनाऊंगा, यहाँ से भी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी ये मुझे बोलेगा पासवर्ड रखो, तो पासवर्ड लिख लेते हैं हम अपना। पासवर्ड रख के हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से हम अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। पज़ल को आपने कर लेना कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हम इसको गोटेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना निकनेम रख लें अपना कोई भी, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं। अभी आप ऊपर देख सकते हैं मैंने कोई भी VPN वगैरह नहीं यूज़ की हुई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। ये ऊपर गिफ्टिंग वाला ऑप्शन भी आ चुका है। अभी 3 डॉट पे जाएंगे, 3 लाइन पे, यहाँ पे क्रिएटर टूल पे आ गया, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन में आपका ये क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कोई VPN नहीं यूज़ किया, कोई कुछ नहीं यूज़ किया। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं सारा आपका कंप्लीट हो चुका, आपका अकाउंट जो है वो ओके हो चुका है अभी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम रिवार्डिंग क्रिएटर फॉर क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो ये इनकी कुछ पॉलिसी है नहीं वो इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, नाम चेंज कर दिया, पहले कुछ और था अभी कुछ और नाम लिख दिया है, और अभी आप उन्होंने वो बता रहे हैं कि आप इसमें वीडियो भी जो है लॉन्ग अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके पास 10,000 फॉलोवर होने चाहिए, 1,00,000 व्यू होना चाहिए वीडियो का, तो आप आसानी से इसको मोनेटाइज कर सकते हैं किसी भी कंट्री में बैठ के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें। ये आप देख सकते हैं सारा, अभी ये किंगडम का आ गया ऑप्शन। ठीक है, फिल्टर बाय के आप कहाँ से वो देखना चाहते हैं जो भी है, तो बस इतना सही है। वर्क विद आर्टिस्ट भी आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग आपको बोलते हैं कि हमसे अकाउंट बनवाएं और हमें पैसा दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं देना। बैलेंस में जाके अगर देखेंगे आप, तो ये देख सकते हैं लाइव रिवार्ड के नीचे पाउंड का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, यूरो वगैरह का, अगर आप यूएसए का बनाओगे तो यहाँ पे डॉलर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये हमारा यूके का, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन आ रहा है। ये यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने अपना अकाउंट जो बनाया है वो उसी कंट्री का या किसी और कंट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा डॉलर नहीं शो हो रहा, यूके की कंट्री का जो है लोगो शो हो रहा। ठीक है, अभी इसमें आपने फ़ोन नंबर ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। कैसे कर लेना है, यहाँ पे अपने ईमेल में जाके, ये देखिए मेरे पास ईमेल आ गया, यहाँ से मैं इसको वेरीफाई और ईमेल एड्रेस पे क्लिक करके ओपन कर लूँगा। थैंक्स फॉर वाईफाई। ठीक है, ओपन टिकटॉक, ये मेरा ओरिजिनल टिकटॉक है, मैंने कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाउनलोड की। ठीक है, आप इस पे रेगुलर आसानी से काम कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, फॉलोवर भी होंगे आपके और सब कुछ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बंद करें, मैं ये ओपन कर दूँ, मेरी वीडियो वायरल नहीं करता हूँ। तो ये देखिए, रिफ्रेश करने पे अगर ये आपको ऐसे होता है ना, आपने क्या करना है, अगर आपको फॉलोअर का या वो वीडियो में कुछ मसला आ रहा है ना, फॉलोअर का जो अनफॉलो हो जाता है, पहले आपने ये देखा है, मैंने जब अकाउंट बनाया तो मेरा उस पर फॉलो करता था, तो उसके जाके जब रिफ्रेश करता था तो अनफॉलो हो जाता। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या, आपने एक दफ़ा आपने जब अकाउंट वगैरह बना लेना है ना, तो उसको एक दफ़ा बंद कर देना है, यानी कम्प्लीटली इसको एप्लीकेशन को क्लोज करना है। उसके बाद दोबारा से इसको ओपन करेंगे टिकटॉक को। अस्सलाम वालेकुम, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पर हमने अप्लाई कैसे करना है, जब आपका क्राइटेरिया यानी कि 10,000 फॉलोअर और 1,00,000 जो है व्यूज पूरे हो जाए, तो आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद अब ये देख सकते हैं मेरा अनफॉलो नहीं हुआ। ठीक है, एक तक कंप्लीट हो, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। असल में जब मैंने पहला अकाउंट बनाया था ना, वो बनाया था मैंने यूएस का, तो उस पर मैंने वो बनाया था मैंने वीपीएन के ज़रिए, तो ये पहली दफ़ा मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया, तो इसलिए मुझे कन्फर्म नहीं था पता, क्योंकि सुना मैंने यही था अपने एक दोस्त से जो कि यूके में बैठा हुआ है, उसने मुझे बोला था कि मेरा एक दोस्त है, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, वो इस तरह के अकाउंट बना रहे हैं इस तरीके से और उनके सही से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आज मैंने ये पहली दफ़ा ट्राई किया, उस मैंने साथ को आपको भी साथ में दिखाया है। ठीक है, मैं कुछ भी पहले चेक चुक कर करा के ना इस तरह के पकौड़े नहीं तल देता के, ताकि आप अपना टाइम ज़ाया करते रहो वीडियो देख के। तो ये देखें, मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, अनफॉलो नहीं हुआ।
अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, टाइम भी आप ऊपर देख लें, मेरी जो पहली वीडियो जहाँ से वो बंद हुई थी, ख़त्म हुई थी, वहीं से ये स्टार्ट हुई है। एक दो मिनट का फ़र्क पड़ा होगा इस सेकंड का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोइंग में दो फॉलो हो चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे देखें 3 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी देख सकते हैं आप, आईडी सेम है, आईडी मैंने बदली नहीं है, आईडी सेम है, ठीक है। वो ऊपर आ रहा है प्रोग्राम का वाला, और उसके बाद लाइव में भी जाके आपको दिखा देता हूँ, यूके वाली है, कोई और एप्लीकेशन या कोई और आईडी मैंने ओपन नहीं की, ठीक है। और नाम भी ऊपर देख लें सेम है। तो ये जो गिफ्ट वाला ऑप्शन है, इसको अब देख लेते हैं कि इसमें अभी है क्या। तो ये अभी नहीं ओपन हो रहा, तो चलो छोड़ें, हमारा काम जो करना था कर दिया। अगर छोटे यूजर ही एक दूसरे की सपोर्ट करें ना, छोटे यूजर भी अपलोड करूंगा इसी चैनल पे करूंगा, और फिर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट जो है मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे एक लगा दूंगा कि आप देख सकते हैं, देख लें कि वहाँ पे मुझे व्यू आएंगे इस चैनल पे कि नहीं आएंगे, ठीक है। उससे आपको ज़रा मज़ीद पता चल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।